हेलो गाइस, मैं हूं विभूति ओझा और आज के इस वीडियो में हम लोग ये इस तरह का चेयर मॉडल करना सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चेयर है बिगनर्स के लिए, तो आज हम लोग इसी को बनाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास इसका दो इमेज है, एक ये फ्रंट से है और एक साइड से भी है। ठीक है, इसको हम लोग रेफरेंस की तरह यूज करके और फिर इसको मॉडल करेंगे। ठीक, तो माया मैंने ओपन कर लिया है। मैं इसके ऑर्थोग्राफिक व्यू पॉइंट में आता हूँ और उस इमेज को फ्रंट में और साइड में लगा लेते हैं। ठीक है, तो इमेज प्लेन में जाएंगे और डेस्कटॉप पे वो इमेज है, तो ये रहा फ्रंट और यहाँ भी लगा लेते हैं डेस्कटॉप में, ये रहा साइड। ठीक है, तो अभी इसको मैं क्या करता हूँ, अभी ये ग्रिड के सेंटर पे नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये जो इमेज प्लेन है वो तो ग्रिड सेंटर में है, बट ये जो मॉडल है हमारा जो चेयर है वो सेंटर में नहीं है। तो ठीक है, तो उसको सेंटर में हम लोग सबसे पहले अलाइन कर लेते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कहाँ पे इसका सेंटर आएगा, वहाँ पर इसको लगा देंगे। ठीक, अगर आपको सेंटर पता करने में दिक्कत हो रहा है तो एक और तरीका है मेरे पास। मैं एक क्यूब ले रहा हूँ और इस क्यूब को R से स्केल करेंगे और बड़ा कर लेते हैं, 4 प्रेस करते हैं। ठीक है, और इसको यहां पर ले लेते हैं, फेस में जाएंगे और इसको यहाँ नीचे तक ले लेते हैं। ठीक, तो और साइड से भी मैच करवा लेंगे, कौन सा है, यही होगा शायद, नहीं ये टॉप वाला है। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको मैच कर लेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको डी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको मैच करेंगे। ठीक है, अभी ये लग गया है ना। इसको मैं इस इमेज को मैं यहाँ पीछे कर दे रहा हूँ और इस इमेज को यहाँ कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉरी, इसको जी एक्सिस यहाँ पर है तो इसको यहाँ पर लेना होगा और इसको यहाँ पर लेना होगा। ठीक है, हमारा जो व्यूपोर्ट है वो इस तरीके से स्ट्रेट रहता है, मतलब Z इस तरफ रहेगा, Y इस तरफ रहेगा, X उस तरफ रहेगा। ठीक है, तो Z हमारे सामने रहेगा, X इधर, Y इधर और Z जस्ट हम लोग के सामने रहेगा। ठीक, अभी मल्टी कट टूल लेंगे, कंट्रोल होल्ड करेंगे और एक सेंटर में यहाँ पर हम लोग इसको लगा देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और इसको यहाँ से यहाँ पर लगा देंगे। ठीक, इन दोनों ही को उठाएंगे एक साथ, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और दोनों को उठा करके यहाँ पर लगा देंगे। ठीक, अब ये प्रॉपर सेंटर में आ चुका है। जरा सा अगर आपको लगे कि नहीं सेंटर में नहीं है तो थोड़ा सा जूम करके और फिर कर दीजिए। ठीक, तो ये छोटा सा टेक्निक है बस बनाने का, और इसको भी आप यहाँ पर कहीं रख लीजिए। ठीक है, हम लोग को फ्रंट से सेंटर पे चाहिए, साइड से उतना कोई जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको एक लेयर में डालेंगे, तो चैनल बॉक्स में जाएंगे और इसको लॉक कर देंगे, इसको भी इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट कर देंगे। ठीक, तो अब ये लॉक हो चुका है, इसमें मूवमेंट नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको मॉडल करना शुरू करते हैं। ठीक, तो यहाँ से प्लेन लिए, इसको रोटेट करेंगे सबसे पहले 90 डिग्री। ठीक है, अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देता हूं, तो आपको अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस करना हो माया का, एनिमेशन का, तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आते अपने टॉपिक पे, इसको उठाएंगे और अभी हम लोग इसको इससे मैच करना स्टार्ट करेंगे चेयर से। तो
ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और दोनों को साइड में ले लेंगे। ठीक, और यहाँ से इसको मैच कर देंगे, इसको पकड़ के यहाँ पे मैच करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्या हम लोगों को करना है, बस ग्रिड ऑफ कर रहे हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट है उसको उस तरीके से हम लोग ट्रेस करते चलेंगे। यहाँ पर इसको हम लोग रख लेंगे। ठीक है, एक यहाँ से इसको ये करेंगे, दोबारा से इसको इसको सेलेक्ट करेंगे, आपसे स्केल करेंगे और अंदर की तरफ ले लेंगे। ठीक, थोड़ा सा बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, हल्का सा कुछ इस तरीके का। ठीक, हमारा साइड व्यू से इस तरह का आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको अनलॉक करेंगे और इसको इस तरफ ले लेंगे। ठीक, फिर इसको दोबारा से लॉक कर देंगे। अभी हुआ नहीं हुआ, क्या दिक्कत आ रहा है, इसको मैं इस तरफ -180 डिग्री। फ्लिप हो रहा है। तो हालांकि रेफरेंस एकदम करेक्ट नहीं ही होने वाला है, फिर भी हम लोग अकॉर्डिंग उसके बनाएंगे। तो ये हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसके इसको लूँगा तो ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो वो रेफरेंस का प्रॉब्लम है, उसको इग्नोर कीजिए। ठीक है, हम लोग किसी एक ही व्यू से बनाने वाले हैं। ठीक, तो ये हो गया। और इसको दोबारा से यहाँ से हम लोग अब एक्सट्रूड करने वाले हैं। ठीक, तो इस चेयर को यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से ये राउंड जा रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं राउंड जा रहा है। तो इसको यहाँ पर रखेंगे, थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। दोबारा से एक्सट्रूड करेंगे, वर्टेक्स मोड में आएंगे और इसको यहाँ पर मैच कर देंगे। ठीक है, दोबारा से एज मोड में आएंगे, कंट्रोल ई एक्सट्रूड और इसको यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, इसको यहाँ पर लगाएंगे, इसको यहाँ पर लगाएंगे। ठीक, अभी हम लोग बस इमेज को इसी तरीके से ट्रेस करते हुए आगे फॉलो करेंगे। ठीक, एक्सट्रूड और यहां तक करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको पकड़ेंगे,
यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर हम लोगों को वो वाला इफेक्ट चाहिए, राउंड वाला। तो इसको 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 सबको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई से एक्सट्रूड करेंगे और यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। दोबारा से वर्टेक्स मोड में आएंगे और इसको यहाँ पर, सॉरी, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ और इसको यहाँ लगा देंगे, ठीक। तो हमें क्या करना है, इमेज को ट्रेस करना है, समझना है कि किस तरीके से उसके पॉलीगॉन्स जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से ये राउंड रहेगा, है ना, ये जो चेयर है वो यहाँ से राउंड रहने वाला है, इस तरफ से, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोबारा से इसको सेलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे, दोबारा से इसको यहाँ पर करेंगे, इसको यहाँ करेंगे, ठीक। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले लेते हैं, ठीक है। दोबारा से एक और एक्सट्रूड करेंगे, एक और एक्सट्रूड फाइनल यहां पर ले लेंगे, ठीक। मल्टी कट टूल लेंगे, यहां पर लगाएंगे और इसको यहाँ से वेल्ड कर देंगे और जी प्रेस करेंगे लास्ट कमांड के लिए, इसको यहाँ पर वेल्ड कर देंगे, ठीक। अब प्रोस्पेक्टिव में आएंगे तो ये कुछ इस तरीके का हमारा जो चेयर है वो आ रहा है, यहाँ पे बेंड हो रहा है क्योंकि नीचे कोई फेस नहीं है, ठीक। अब इस चेयर को साइड से देखिएगा तो यहाँ पर पूरा राउंड है और फिर यहाँ से कुछ इस तरीके से है, तो वो कैसे होगा, फोर प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। और ये इसको 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 इन तीनों को पकड़ेंगे, वापस बाहर की तरफ निकालेंगे, यहाँ से अंदर की तरफ है, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मर्ज कर देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, पीछे की तरफ लेंगे, ठीक। को यहाँ, को यहाँ, इसको यहाँ और यहाँ पर भी थोड़ा सा राउंड हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, यहां पर हम लोग इसको सिमेट्री करेंगे, तो यहां से मल्टी कट टूल लेंगे, एक सेंटर में एक एज डालेंगे और फेस सेलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे, ठीक। ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे और यहां पर
हिस्ट्री डिलीट क्लीन कर देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन जैसे वैसे रहेगा। एडिट में जाएंगे, डुप्लीकेट स्पेशल में जाएंगे, एक बार रीसेट करेंगे, यहाँ से इंस्टेंस कर दीजिए। इंस्टेंस करने से क्या होगा कि आप यहाँ जो भी मॉडल बना रहे हैं आपको सिर्फ एक साइड बनाना होगा, दूसरे साइड वो ऑटोमेटिक बनते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन है, ये ट्रांसलेट का एक्स वाई एक्स है, वाई है, जी है, ये रोटेट का एक्स वाई जी है, ये स्केल का एक्स वाई जी है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर स्केल है कौन सी वैल्यू में, हमें इस तरफ चाहिए, है ना। ये है कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो हमें इस तरफ में चाहिए, मतलब निगेटिव एक्स में चाहिए। तो हम ये एक्स का बॉक्स है, ये वाई का, ये जेड का, तो हमें एक्स में निगेटिव वन पहले से है, माइनस का साइन दे देंगे, निगेटिव हो जाएगा, ठीक आ गया। अब यहाँ से वर्टेक्स पकड़ेंगे, सॉरी, और एक जगह काम करेंगे, दोनों जगह काम होगा, ठीक। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग इस पार्ट पे, आगे नीचे मॉडल करते हैं इसको, ठीक है। तो इसको वर्टेक्स मोड में आएंगे, इसको सभी को ऊपर सेलेक्ट करके रख देंगे, ठीक। एक यहाँ पर एज लूप डालेंगे और इसको यहाँ से इस तरीके का बनाएंगे, इसको इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई, एक्सट्रूड यहाँ तक, यहाँ तक हम लोग एक्सट्रूड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक एक्सट्रूड, यहाँ तक एक्सट्रूड करेंगे, इस फेस को डिलीट कीजिए, ठीक है। इसको नहीं, इसको डिलीट कर दीजिए, या डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको पकड़ेंगे और यहाँ कर लेंगे, ठीक। दोनों को, इसको भी सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा यहाँ तक ले लीजिए, ठीक है। अब ये सीधा नीचे की तरफ जाने वाला है, तो ये यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। वर्टेक्स मोड में आएंगे, स्केल करेंगे, इसको यहाँ पर ले लेंगे, ठीक। दोबारा से इसको एक्सट्रूड करेंगे, ठीक है। और इस बार क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टिव में आएंगे और इसको हल्का सा अंदर की तरफ लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा, है ना, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा, इसमें पता नहीं इमेज में आपको दिख रहा होगा कि नहीं, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें भी तो नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा है, यहाँ से दिखाते हैं हम लोग जो मॉडल कर रहे हैं उसमें, यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अंदर करेंगे, दोबारा से इसको एक्सट्रूड करेंगे, ठीक है, यहाँ की तरफ, और इस बार मेरे ख्याल से स्केल करना ही सही होगा, नहीं नहीं सही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक एज लूप इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर एक एच, और इसको इसको कर देंगे हम लोग ब्रिज, ठीक है। अब थ्री प्रेस करेंगे तो आ रहा है, ठीक। अब इसका जरा सुलझा दें, ये यहाँ
ये हो जाएगा हल्का सा, ठीक है। और इसको पकड़ेंगे, यहाँ पर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर एक सेगमेंट की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगा कि इससे ही इसकी भरपाई कर दिया जाए। नहीं, मुझे एक सेगमेंट ऐड करना ही होगा, ठीक है, मैं उसको बाद में देखता हूँ। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, है ना। सबको सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा पीछे, क्या करना है, इसको यहाँ से नीचे की तरफ लेकर के आना है, ठीक, और इससे चिपका देना है। स्केल करेंगे, सीधा करेंगे, इससे इसको मैच करेंगे, फोकस करना है, अंदर की तरफ ले जाना है, थोड़ा बाहर की तरफ ले जाना है, थोड़ा नीचे की तरफ ले जाना है, और फिर थोड़ा थोड़ा वर्टेक्स को वेल्ड करते हुए भी आगे जाना है। तो यहाँ का हो गया, अभी इतना बन गया, ठीक है। अब यहाँ से, तो यहाँ से क्या है कि इस व्यू पोर्ट में आएंगे, वर्टेक्स मोड में आएंगे, थोड़ा सा इसको राउंड करेंगे, और इसको ये यहाँ से देखिए, यहाँ से मैच हो चुका है ना, तो यहाँ पर मैच करने की ज़रूरत नहीं है, वो इमेज का प्रॉब्लम है। इसको बस थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ निकाल दीजिए, ठीक। एक्चुअली ये सब एक साथ ही है। ये भी सब साथ में ही है, और ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा मैच कर देंगे, ठीक है।
ठीक है। यहाँ पर अभी थोड़ा सा है प्रॉब्लम, उसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे फटाफट, ठीक है। तो आगे अभी यहाँ का आगे भी हम लोग को बनाना है एज मोड में आएंगे, और अभी इधर साइड का ये सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर पहले ये सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और अब इसको देखकर हम लोग यहाँ से इसको एक्सट्रूड करेंगे, ठीक। तो यहीं से देखते रहते हैं कैसे बनेगा। इस तरीके से है, ठीक है। और ठीक है, ये अब इसको यहाँ कंटिन्यू करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तो यहाँ पर करेंगे, ठीक है। कोई अभी इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक, ठीक। अभी फटाफट से इसको भी एक्सट्रूड करेंगे, नीचे की तरफ लेकर के आएंगे, कंपोनेंट मोड में आते हैं और नीचे की तरफ लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। गलत एक्सट्रूड हो गया, ऊपर का भी सेलेक्ट करना था। पहले तो यहाँ से एक्सट्रूड करना होगा, वर्ल्ड में आएंगे, कंट्रोल ई, एक्सट्रूड, और यहाँ से इसको मिला देंगे, ठीक। चैनल बॉक्स को लॉक करेंगे, वर्टेक्स मोड में आएंगे, तो पकड़ेंगे, लॉक कर देंगे, ठीक। यहाँ से इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और ऐसे ऊपर की तरफ ले देंगे, ठीक। एच मोड में आएंगे, यहाँ से इसको कंट्रोल ई, एक्सट्रूड, और कंपोनेंट मोड में आएंगे, ठीक।
कंट्रोल ही दोबारा एक्सट्रूड करेंगे। अभी कंपोनेंट बोर्ड में आएंगे, वर्ल्ड ठीक है, वर्ल्ड में ही रहते हैं हम। इसको उठाएंगे, वी प्रेस करेंगे और यहाँ पे स्नैप कर देंगे। ठीक, वी से क्या होता है, स्नैपिंग ऑन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ब्लिंक कर रहा है, इससे आप वर्टेक्स स्नैप कर सकते हैं, इससे ग्रिड, इससे स्प्लाइन, कर्व्स, सॉरी कर्व्स, तो मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया हुआ है। ठीक, आप बस जस्ट वी होल्ड कीजिए और आपको जहाँ स्नैप करना है वहाँ ले जाके देखिए स्नैप हो जाएगा उस पॉइंट पे। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और मर्ज भी कर सकते हैं। ठीक, थ्री प्रेस करेंगे, यहाँ तक हमारा चेयर तो बन चुका है। ठीक है, वन प्रेस दोबारा से करेंगे और इस बार हम लोग यहाँ से एक्सट्रूड करेंगे, ये कंट्रोल ई एक्सट्रूड और दोबारा से वी होल्ड करेंगे और यहाँ पे स्नैप करेंगे। ठीक, पीछे नीचे की तरफ जा रहा है तो हम लोग इसको भी नीचे की तरफ लेके जाएंगे। उससे पहले इसको पर इसको थोड़ा सा यहाँ पर लेंगे, इन दोनों को लेंगे। ठीक है, इन दोनों को ही लेंगे, थोड़ा सा इसको लेंगे, थोड़ा सा इसको भी ले लेंगे, थोड़ा सा इसको भी ले लेंगे। ठीक, टॉप रिपोर्ट में आएंगे, इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सभी को हम लोग पीछे करते जाएंगे। ये हो गया, ये और सॉरी ये वेल्ड नहीं है। ठीक है, अभी ये परफेक्ट है। अब थोड़ा सा इसको भी करेंगे। ठीक है, तो ये अभी आ रहा है ना, वर्टेक्स मोड में आएंगे। कौन सा वेल्ड नहीं था हमारा उसको वेल्ड करेंगे, तो इसको इसको सेलेक्ट करेंगे, नीचे की तरफ ले लेंगे, अंदर की तरफ ले लेंगे। तो ये देखिए ये यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसको भी पकड़ेंगे, को वेल्ड कर ही देते हैं, इन दोनों को पकड़ेंगे, वेल्ड करेंगे, इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे इसको कंपोनेंट थोड़ा सा ठीक है, हम लोग चाहे तो इसको भी हल्का सा पीछे की तरफ ले जा सकते हैं जरा सा। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का पीछे की तरफ, है ना। तो अभी बचा फाइनल वाला जो है पीछे का पार्ट। ठीक है, तो ये बनाना है, तो उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस वर्टेक्स को थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देते हैं। ठीक, ये तीनों को पकड़ेंगे, थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ कर देंगे। ठीक, इन दोनों को भी थोड़ा सा तरीके से, ठीक। अब इस
चेयर के साइड पार्ट ओपन ठीक है। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा कर्व आ रहा है, इसको देखना होगा। यहाँ पर ये स्ट्रेट है पूरा, तो इसको हम लोग बाहर की तरफ पूरा निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अब ये पीछे का बना लेते हैं। तो पीछे का बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग क्यूब ले लेते हैं, ठीक, और इस क्यूब को यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, और सीधे इसको यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया एक पार्ट। फेस में आएंगे और इसको, अच्छा इसको हम लोग साइड से भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका थिकनेस दे सकते हैं। ठीक है, नीचे कम रहेगा ही, वो बाद में हम लोग कर देंगे। राइट क्लिक लेंगे, फेस मोड में आएंगे, यहाँ से दोबारा से इसको एक्सट्रूड कर देंगे यहाँ पर। वर्टेक्स मोड में आएंगे, यहाँ से इसको यहाँ पे मैच करवाएंगे, यहाँ से इसको यहाँ पे मैच करवाएंगे। ठीक, एक मिडिल कर्व में डाल देंगे और अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसको इतना ही करके छोड़ रहे हैं। ठीक, कुछ इतना। ठीक है, पैर अगर थोड़ा सा पतला लग रहा हो तो हल्का सा थिकनेस बढ़ा देंगे, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे इस फेस को और इस फेस को डिलीट ही कर देना, ठीक रहेगा। ठीक है, थ्री प्रेस करेंगे, सही है, आ रहा है। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पीछे की तरफ लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर। तो अभी क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इसको यहाँ तक लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको ठीक है, ये एक ही साइड से है। अच्छा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम ही है, तो थोड़ा सा और अंदर की तरफ लेंगे। ठीक, इतना। अब इसको क्या करेंगे, वर्टेक्स मोड में आएंगे, इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ, यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ ऐसे अलाइन कर देंगे। ठीक है, वर्टेक्स में ठीक है। तो इसको मैं जल्दी से यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा होते जा रहा है ना। और इसको यहाँ पर अलाइन करेंगे, ये हो गया। और क्या करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, एक एज, सॉरी, एक मल्टी कट टूल यहाँ पे देंगे, एक मल्टी कट टूल यहाँ पे देंगे। ठीक, अभी क्या करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके फेसेस को सेलेक्ट करेंगे और ये दोनों फेसेस को डिलीट कर देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इस वर्टेक्स को पकड़ेंगे, वी प्रेस करेंगे, स्नैप करेंगे, यहाँ से वी प्रेस करेंगे, स्नैप करेंगे और
एक मल्टी कट टूल यहाँ भी देना होगा, थोड़ा उसको हटाएंगे हम लोग नीचे वाले को, वी प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसको स्नैप करेंगे, ठीक है। ठीक है ना। और एक और चीज करना पड़ेगा हम लोगों को, इसको पकड़ के यहाँ पर, ये ऐसे था ना, इसको यहाँ, इसको यहाँ, ठीक है अभी क्या करेंगे कि वी प्रेस करेंगे, इसको यहाँ पे स्नैप करेंगे और इसको यहाँ पर स्नैप करेंगे, तो वी प्रेस करेंगे यहाँ पे स्नैप कर लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसको वेल्ड करेंगे, इसको पकड़ेंगे, मर्ज करेंगे, इसको पकड़ेंगे, जी प्रेस कर देंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, शो में जाएंगे, सॉरी लाइट में जाएंगे, टू साइडेड लाइटिंग ऑन कर देंगे, ठीक। अभी हम लोग इसको सबसे पहले सॉरी कंबाइन करेंगे, ठीक है। कंबाइन करने के बाद जो सिमेट्री है वो डिलीट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमने ये अलग ऑब्जेक्ट लेकर के बनाया है इस कारण, ठीक है। दोबारा से हम लोग को सिमेट्री हम लोग दोबारा से लगा लेंगे, अभी फिलहाल तो बस फोर प्रेस करके फटाफट मर्ज करना है हम लोग को, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से खुला ही होगा, इसको यहाँ से मर्ज करेंगे, इसको यहाँ से मर्ज करेंगे, इसको यहाँ से, यहाँ पर तो है नहीं, ठीक है। फाइव प्रेस करेंगे, कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, एक मल्टी कट टूल यहाँ चाहिए, ठीक है ना। अच्छा यहाँ से ये लूप नहीं कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि ये खुला, ठीक है। तो हमें इसको करना होगा वेल्ड, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एक लेंगे, इसको पकड़ेंगे, वी से स्नैप कर देंगे, ठीक है। फोर प्रेस करेंगे यहाँ पर है, फाइव प्रेस करेंगे, वी पकड़ेंगे, स्नैप करेंगे, ठीक है। अभी इसको पकड़ेंगे, मार्च करेंगे, इसको पकड़ेंगे, मार्च करेंगे और वी और यहाँ स्नैप करेंगे और इसको मार्च कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ठीक है। ये शायद लाइटिंग की वजह से आ रहा होगा, नहीं तो वेल्ड नहीं हुआ पड़े हैं, कुछ कुछ उस कारण भी हो सकता है। यहाँ से खुला हुआ है, वी स्पेस स्नैप, वी स्पेस स्नैप, वी स्पेस स्नैप हो जाएगा।
ठीक है, ये यहाँ पर कुछ आएगा। ये वी पकड़ के इससे स्नैप कर देंगे, ठीक है। फोर प्रेस करेंगे, इसको पकड़ेंगे, वेल्ड कर देंगे, ठीक। और इस एज का कोई काम नहीं है। और यहाँ पर एक और एज लगाएंगे, फोर प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, वर्टेक्स में आएंगे और दोबारा से इसको स्नैप कर देंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है बट मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि अच्छे से समझाना है तो टाइम लगेगा ही, ठीक है। तो ये यहाँ आ जाएगा। अगर मैं जल्दी जल्दी आपको बता भी दूँ और आपको कुछ समझ में भी नहीं आए तो फिर फायदा भी नहीं है कुछ वीडियो बनाने का, ठीक है। तो अच्छा होगा कि थोड़ा टाइम लगे बट आप कुछ सीख लें अच्छे से, ठीक। तो ये क्या हुआ, इसको यहाँ कुछ है क्या? मे भी हो सकता है कुछ रीजन के कारण यही स्नैप हो रहा होगा, ठीक है। दोनों को सेलेक्ट करेंगे, मर्ज कर देंगे, ठीक। अभी थ्री प्रेस करेंगे, अभी प्रॉब्लम आ रहा है। तो हो सकता है ये लाइटिंग के कारण हो रहा होगा, मैं टू साइडेड लाइटिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये उसी के कारण हो रहा है, टू साइडेड लाइटिंग के कारण। यूज ऑल लाइट्स, यूज टू साइडेड लाइट, डिफॉल्ट लाइट, ठीक है। ये हो सकता है लाइटिंग का प्रॉब्लम होगा, मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, ठीक। ठीक है, अभी इसको इसको और इसको, इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे और ऐसे बाहर की तरफ ऐसे निकालेंगे, ठीक। को यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम लोग फटाफट यहाँ से वेल्ड कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों को पकड़ेंगे, वेल्ड करेंगे। तो ये इन दोनों को पकड़ेंगे, ज़रा सा पीछे करेंगे, ठीक। और क्या करेंगे, यहाँ पर एक शार्प है ना, शार्पनेस आ रहा है। तो हम लोग, ये नीचे चला गया है, इसको थोड़ा सा तरीके से करेंगे, थोड़ा सा करेंगे,
मैं इसको बस जस्ट एडजस्ट कर दे रहा हूँ हर एंगल से। हम लोग एक बार इसको एडजस्ट कर देंगे। ये अभी वेल्ड नहीं हुआ है, वी प्रेस करेंगे और यहाँ से इसको वेल्ड कर देंगे। ठीक है, तो अभी थ्री प्रेस करते हैं तो वही प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मैं इसको यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, इसको मैं यहाँ से डिलीट। ठीक है, तो ये चेयर को मैंने अभी मिरर कर लिया है। ठीक है, ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये माया का बग है या फिर क्या दिक्कत हो रही है, ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं अभी बाद में इसको देखूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू कर ले रहा हूँ। तो इसको अभी थोड़ा सा थिकनेस देने के लिए थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ ले लेंगे। ठीक है, हल्का थिकनेस देने के लिए। ठीक है, और ये फिर से अंदर की तरफ थोड़ा रहेगा, थोड़ा इस तरीके से। ठीक, यहाँ पर हम लोग एक एज लूप इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, एक एज लूप हम लोग यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और एक एज लूप हम लोग यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। ठीक, ताकि थोड़ा थिकनेस का पता चले। ठीक, यहाँ पर भी थिकनेस के लिए हम लोग एज लूप डालेंगे। तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है, एक यहाँ पर। ठीक, ठीक है, तो अभी हमारा जो चेयर है वो सही से आ रहा है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर भी थिकनेस देना होगा। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे, आर से स्केल करेंगे और अंदर की तरफ थोड़ा सा अंदर की तरफ ले लेंगे। ठीक, हल्का सा अंदर की तरफ। तो इसको यहाँ से हटाइए और इसको यहाँ से हमें इतना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। टोपोलॉजी थोड़ा सा सही करेंगे और यहाँ पर भी एक एज लूप डाल देंगे। ठीक है, तो अभी चेयर में क्या है, अब चेयर में थिकनेस आ चुकी है ना। अच्छा, इसमें अभी लैम्बर्ट है तो राइट क्लिक करेंगे और सब में एक फॉर्म ही डाल देंगे। ठीक, हमारे पैर में भी थिकनेस होगा तो यहाँ पर एक यहाँ पर। ठीक है, और एक यहाँ पर। एक्चुअली मैंने पैर को, जो इसका पीछे वाला पैर है, उसको मर्ज नहीं किया है। ठीक है, उसको जस्ट उसमें अटैच किया हुआ है। उसका रीजन ये है कि इसको मर्ज करने पर इसका कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। पता नहीं माया का प्रॉब्लम है कि किसका प्रॉब्लम है, मुझे देखना पड़ेगा। बट अभी तो मैं नहीं देख सकता हूँ क्योंकि फिर वीडियो और भी ज़्यादा लंबा होते रहेगा। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ नीचे कर दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नीचे कुछ सिलेक्शन तो हुआ नहीं है। ठीक
ठीक है, 4 प्रेस कर देंगे और उसको यहाँ पर ले लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर उसको, यहाँ पर अभी 3 प्रेस करेंगे। ठीक, यहाँ पर अभी भी आ रहा है प्रॉब्लम, ये आ रहा है इसकी वजह से। ठीक है, इसको थोड़ा सा और दूर ले लेते हैं, यहाँ पर। ठीक है, और इसको यहाँ पर, ठीक, तो वो प्रॉब्लम अभी नहीं आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सही कर लेते हैं। ठीक, ठीक है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम के बीच में हमारा ये जो चेयर है वो बन करके रेडी हो चुका है। ठीक है, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल ए, इसको वैसा ही कलर देंगे जैसा कि उसमें दिया हुआ था। ठीक है, और ये आपको लाइटिंग का प्रॉब्लम है या फिर क्या है ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, मुझे देखना पड़ेगा। बट यह है कि हमारा जो चेयर है वो तो बन गया है ना। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो फिर आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ बेसिक मॉडलिंग आपने सीखा होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं मुझसे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप उससे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तब तक के लिए गुड बाय।